हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास सेकेंड का जो आपका मैथ का चैप्टर 4 है, टेंस इन काउंटिंग, उसे पढ़ाऊंगी। इससे पहले आप चैप्टर 3rd भी पढ़ चुके होंगे, वो आपने ग्रुप्स में पढ़ा है, इसमें आप टेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग भी है। आज हम उस पहले उसे पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन है उसे सॉल्विंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी स्टोरी है, देखो फिर मैं आपको एक बार स्टोरी। यस, चिकन्स एंड द क्लेवर फ्लॉग फॉक्स। सो जो मुर्गे के बच्चे होते हैं और जो चलाक लोमड़ी होती है, ये उनके बीच में है जो कहानी है। टिक्को फार्मर हैज़ many chickens in her farm। जो टिक्को फार्मर है, टिक्को फार्मर कौन है? ये उसके फार्म में बहुत सारे चूजे होते हैं। When they are clever fox, so these naughty chickens playing around। एक दिन जो चलाक लोमड़ी होती है, वो चूजों के आसपास गोल प्लेइंग अराउंड घूमने लगती है, खेलने लगती है। फ्रॉम दैट डे शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे। वो जो चूजे होते हैं उसको स्टील करना शुरू कर देती है, यानी उन्हें चुराना शुरू कर देती है और हर दिन खाना शुरू कर देती है। टिक्को केम टू नाउ अबाउट इट। टिक्को को इसके बारे में पता लग जाता है। शी आस्क्ड द फॉक्स, वो जो लोमड़ी है उससे पूछती है, हे डू यू ईट माई चिकन्स, क्या तुमने मेरे चूजे खाए हैं? तो लोमड़ी का क्या जवाब आता है? नो डियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स। नहीं दोस्त, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं कैसे तुम्हारे चूजे खा सकता हूँ। एंड टिक्को थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट। तो टिक्को जो है उसने सोचा, उसने थॉट किया कि अब से मैं सुबह और शाम हर वक्त अपने जो चूजे हैं उन्हें गिनता रहूँगा। बट द चिकन कीप मॉर्निंग कीप मूविंग अराउंड हर एंड देयर, शी सेड। पर जो वो गिन नहीं पाती थी, क्यों? क्योंकि जो चूजे थे वो इधर उधर घूमते रहते थे। एंड शी सैड, आई विल पुट 10 चिकन्स इन 1 बास्केट एंड काउंट देम। अब मैं क्या करूँगी, एक बास्केट ले लूँगी, उसमें 10 चूजे रख दूँगी। फिर एंड इफ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग, आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप। अगर अब मुझे उसमें से एक भी कम दिया ना, मैं जोर से थप्पड़ मारूँगी इस लोमड़ी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहले सबसे पहले जूम कर लेंगे। उसने क्या बोला था कि मैं एक बास्केट में 10 चिकन्स रखूंगी। इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स। ठीक है, सो तुम यानी एक बास्केट में 10 चिकन्स हैं, तो टोटल कितने हो गए देख लेते हैं। तो 5 बास्केट हैं, तो टोटल जो बास्केट हैं वो कितने की हो गई? यस, बिल्कुल, टोटल हमारे जो 10 चिकन आर देयर इन, यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। 5 हमारी बास्केट हैं। हाउ मैनी आर देयर इन ऑल 50+4। अब देखो यहाँ पे 5 बास्केट तो हैं हमारी, बट एक बास्केट में कितने 10, तो 10 + 10 + 10 + 10 इक्वल्स 50, और प्लस यहाँ पे 4 दे रखा। 4 तो जो हमारे 2 चिकन्स है वो बाहर भी हैं, तो 4 तो 50 + 4 = 50 आ जाएगा हमारा 54। ठीक है, क्योंकि 50 + 4 = 54। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन, उसने फिर से चिकन्स को काउंट करा।
दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सी ठीक है क्योंकि पिक्चर सी आपको दिखनी चाहिए। चलो, देयर आर 10 बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स, कितनी बास्केट है, 1 2 3 4 4 है तो 4। देयर आर, देखो 4 4 कितनी 40, तो 40 + 3 = 43 चिकन्स इन ऑल, 43 हो गए ना, ठीक है। उसके बाद सुबह कितने थे, ठीक है सुबह थे हमारे 54 और अब कितने बचे हमारे पास, 43 बचे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे ये है तो 3 बार और ये 4, ठीक है तो 43, तो 44 यहाँ पे 44 लिखना, 43 सॉरी 54 माइनस 43 काफ़ी ज़्यादा खा, कितने बचे अब उसके पास, 54 को हम 43 से माइनस कर देंगे, 4 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा एंड 4 में से 5 में से 4 जाएगा तब भी हमारे पास 1 बचेगा क्योंकि 4 में से 3 का करके देख लो 1 बचेगा, 5 में से 4 का तब भी 1, तो टोटल उसके पास यहाँ पर आप लिख देंगे ये इस वाले बॉक्स में 11 जो है उसके पास अब चिकन्स बचे हैं और बाकी सारे जो लोमड़ी थी वो उसे ईट कर गई है, बहुत चलाक होती है लोमड़ी। हाउ मैनी आर दिस, भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल, शी सेल्स देम इन द मार्केट, जो भानु है वो जो लकड़ी होती है वो कलेक्ट करती है जंगल से और उसे मार्केट में सेल कर देती है। 10 uses 10 60 into 1 to make a 1 bundle, जो बंडल होता है वो 10-10 का होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार हमने क्लास फर्स्ट में भी आप पढ़ चुके हैं, 10-10 का एक बंडल होता है, तो 3 बंडल्स हैव 30 स्टिक्स, है ना, जब एक बंडल 10 का है तो 3 तो किसके होंगे, 3 होंगे 30 के, 30 स्टिक्स होंगे इसके अंदर। नाउ हाउ मेनी स्टिक इन ऑल आर दिस, चलिए काउंट कर लेते हैं एक बार क्योंकि सब पूछा गया ना स्ट्रिक में, तो इस पहले हम इस तरीके से, ठीक है सबसे पहले हम बंडल्स काउंट करेंगे, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है उसके बाद हम हाथ वाला भी देखेंगे, वन सेकेंड से देख लेते हैं एक बार हम, अब चलो हाथ वाली भी काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो यहीं पर होगी हमारी, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 प्लस कर देंगे हम इन सबको, 1 and 7 and 2 is 9, हमारा ये हो जाएगा 91, टोटल 86 इन ऑल इज 91। 4 बंडल्स वुड हैव, 4 बंडल्स में हमारी 40 स्टिक्स हों, ठीक है ओके नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अभी हम, चलो पहले थोड़ा सा फॉर्म कर लें, चलो अब प्रिंट करेंगे, रीड आउट करेंगे, चलो देखो, देयर इज अ वेडिंग इन मालती'ज हाउस, शी इज मेकिंग फ्लावर गार्डन्स, मालती घर में शादी है और वो फूलों की माला बना रही है, शी यूज 10 फ्लावर्स टू मेक वर गार्डन, एक फूलों की माला बनाने के लिए जो मालती है वो 10 फूलों का यूज करती है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं,
सो यहाँ पे पूछेगा हमसे, सो देयर आर फ्लावर्स इन ऑल, यहाँ पर कितने फ्लावर्स है देखो, वन फाइव तो यही हो गए, नीचे हमारे गार्लैंड्स जो हैं ऊपर हमें आठ दे रखे हैं, यानी एट दे रखे हैं फ्लावर्स। सो 50+8 इक्वल्स टू हमारा 50, यस वेरी गुड, 58 होगा। नीचे देखते हैं चलो बच्चों, सो यहाँ पे हमें दे रखा है हाउ मैनी फ्लावर्स आर दीज, जस्ट फ्लावर्स इन ऑल, यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं तो देखो हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 60 है ना, 6 हैं तो 10 10 के ग्रुप से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 7+67 तो टोटल आर 67 फ्लावर्स इन ऑल। ठीक है, अब नीचे लिए कुछ दे रखा है हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम, उसे सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स स्टोर्ड इन द स्पेस ब्लो, हमें यहाँ पर 21 फ्लावर्स बनाने हैं तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे हम। हाँ वन टू फिर फोर थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन बन गए और हम 21 फ्लावर से तो एक यहाँ बना देंगे हम इट्स फ्लावर, देखो अच्छे से आप अपनी पेंसिल से ड्रॉ करना। ठीक है, भले ही मैं यहाँ पर सही नहीं बना पा रही हूँ बट आप जो हैं वो अच्छे से बनाएंगे, पेज गायब हो गया था। चलो आगे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेज हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं यहाँ पर हाथों से अपने। चलो, लीना कैन यू सी ऑल दिस पेंसिल, हाउ मैनी आर दिस, इफ यू मेक अ गुड गेस एंड ऑल दिस विल बी योर सेल्फ। हाँ, लीना कहती है कि क्या तुम, बच्चों एक बात बताऊँ आपको, जो भी मैंने आपको पीछे माला बताई ना, आपको दो माला बना दी है, ठीक है, दो बनानी है, उसके बाद एक फ्लावर रख आपको वंस में बाहर छोड़ना, मैं उसको एक बार आपको बताने बोल के, एक बार और दिखाती हूँ। यहाँ पर 21 दे रखा है तो डेट में सबकी 10 10+2 बनेगी आपकी, एक और आप यहाँ पर एक और ऐसे ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपका एक खाली, ठीक है, तो ठीक है ऐसे ही बनानी है आपको। लीना क्या तुम इन पेंसिल को गिन सकती हो, गिन सकती हो, अगर तुम गिनोगी तो इसलिए सारी पेंसिल तुम्हारी हो जाएगी। तो हमारे किस किस का ग्रुप चला, हमारे काउंटिंग टेंस, जो भी चीज़ हमारी होगी वो इकट्ठी हुआ टेंस में होगी, यानी टेन होगा। तो सबसे पहले पेंसिल के जो हमारे बंडल्स हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 तो हमारे यही हो गए ऊपर पास, वहाँ पर 1 2 3 4 फोर पेंसिल जो हैं हमारे पास वो वंस में हैं, तो फोर हम ये वाली जो है उसे इसके फोर लिखेंगे तो हमारे पास 64 हो जाएगा, टोटली 64। ठीक है, अब क्वेश्चन से रखे हैं हमारे पास, लेट अस हेल्प लीना, हाउ मैनी, लेट अस हेल्प लीना, हाउ मैनी पैक्स ऑफ 10 पेंसिल्स आर देयर, टोटल इज 6 पैक्स हैं, हाउ मैनी पेंसिल आर आउटसाइड द पैकेट, आउटसाइड के पास कितनी थी हमारे पास 4 थी जो ऊपर टेबल पे रखी थी, सो ऑलरेडी ऑल गेदर देयर आर पेंसिल इज इक्वल टू इज 64।
बिंदी, आई थिंक बिंदी वाले फिर से आए, आई थिंक बिंदी है ना, फोन कर लेती हूँ। हाँ देखो, पिछले बार चप ने भी आपको बिंदी का आया था ना, कनक लाइक कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिंदी, जो कनक है उसको पसंद अलग तरह की बिंदी को इकट्ठा करना। हाउ मैनी पैक डोज शी हैव, उसके पास कितने पैक्स है। देखो एक पैक देख लेते हैं कितने का है हमारे पास, उसके बाद हमें सारे पता चलेंगे। उसे 10 के हैं तो पता ही होगा आपको, तीन ऊपर तीन नीचे को 6 7 8 9 10, तो एक पैक जो है हमारे पास वो 10 का। हाउ मैनी पैक डज शी हैव, उसके पास कितने पैक्स हैं, पैकेट्स है, सॉरी लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आज 7 पैक इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 पैक जो है हमारे वो 10 है। ईच पैकेट हैज 3 + 4 + 3 बिंदीज, 3 4 3 बिंदी। नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे, तो 10 बिंदी बनानी यानी एक पैक बनाना है आपको अलग अलग का। पैक लिख लेते हैं हम, पहले कितने पैक थे हमारे पास, 7 पैक थे, पैकेट थे हमारे पास। सो हैव मैनी बिंदीज इन ऑल इक्वल्स टू 70 हो जाएगी आपके यहाँ पर। अब ईच पैकेट हैज 3 + 4 + 3 बिंदीज। नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे, आपको एक पैकेट बनाना है अलग बिंदी का, तो इसमें कौन सी बिंदी नहीं है आप देख सकते हैं। आप चाहें कोरोना वाली बिंदी भी बहुत चल रही है, कोरोना वाली बना सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। पहले बॉक्स बनाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको पहले बॉक्स बनाना है, कोरोना बना देना है आपको कुछ इस तरीके से, काफ़ी सारे बना देना, काफ़ी सारे में टेंस बना देना, टेन एक का है ना, 10 बना देना, ठीक है। साथ साथ अब अलग से बनाएंगे तो, पर आपको ना कुछ इस तरीके से करनी है के सबसे पहले आपको सीरियल देखना है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ ऊपर वाला जो आपका सीरियल है, देखो ये कुछ ना एक वे में है आपकी, देखो देखो 3 + 4 + 3 यानी 3 4 3 3 4 3, आपको इस सीरीज को बदलना है अलग तरीके से बनानी है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो पहले आप लगा सकते हैं 5 की, फिर 5 की बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, और आप बना सकते हैं कुछ 2 2 2 2, इस तरीके से 2 2 करके पैर बना के उसके लास्ट में आपको एक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनानी है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से बनाएंगे। सो यानी इस चैप्टर हमारे यहीं पर ही क्लोज होता है, पेज बहुत सारे हो गए हैं यहाँ पर मेरे हाथ से, बट कोई बात नहीं, आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। मैंने बहुत ही ईजी चैप्टर है, अगर आपने प्रीवियस चैप्टर करा होगा तो आपके लिए तो ये बहुत ही ईजी है, आपको बस पढ़ना है और आंसर देखने हैं। आंसर कहाँ पर छुपे हैं, आंसर तो इसमें ही है, सब आपको काउंट करना है और लिखना है आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।